मैं स्पोर्ट्स इंस्पेक्टर के साथ इस वक्त शारजा के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं, जहां पे कुछ अफवानी के शायकीन हमारे साथ मौजूद हैं और आज बड़े पुरतमाद दिखाई दे रहे हैं अफवानी शायकीन। इनका ये कहना है कि आज दूसरा मैच जीत के हम पाकिस्तान से सीरीज अपना नाम करेंगे। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। जी क्या कहेंगे मैच के बारे में, कौन जीतेगा आज? आज अफगानिस्तान में क्रिकेट के आएगा और पाकिस्तान भी आदमी चेंज करेगा और हम भी चेंज कराएगा इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान ने आदमी चेंज कर लिया है, फहीम अशरफ की जगह मोहम्मद नवाज, हमको मालूम है, और मोहम्मद नवाज भी आया था और फखर जमान। तो क्या लगता है पहले मैच की तरह आज भी अफगानिस्तान जो है वो वन साइडेड एक मैच जीतेगा? नहीं, थोड़ा सख्त होगा अफगानिस्तान के लिए भी आज, इस बार थोड़ा सख्त होगा क्योंकि पहला अफगानिस्तान भी एक मैच जीत गया और पाकिस्तान एक मैच हार गया। आपको नहीं लगता की पाकिस्तान का टीम जो छोटा छोटा लड़का लेके आया था इस वजह से अफगानिस्तान जीत गया? नहीं, इस वजह ने ये वजह ने कि अफगानिस्तान छोटा छोटा बजा बहुत अच्छा किया। अब्दुल्ला भाई आपको क्या लगता है, हमारा छोटा छोटा लड़का था इसलिए अफगानिस्तान जीत गया? इंशाल्लाह ये नसीब का बात है, कोई को जीत गया वो जीत जाएगा इंशाल्लाह। आज किसका नसीब आपका क्या कहते हैं? आज मालूम नहीं है किसका नसीब है, कौन सा मुकाबला है, खेल है किसका बात। अच्छा आप बताएं आप कहाँ से आए? जी मैं दुबई में रहता हूँ, पाकिस्तानी हूँ, जिला कुरम से ताल्लुक है। अच्छा जिला कुरम से ताल्लुक है, तो फिर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? अवश्य पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा। अच्छा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान को भी तो सपोर्ट कर सकते हैं। देखो अफगानिस्तान के खिलाड़ी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है और इंशाल्लाह हमारा टीम भी यंग है, लेकिन उन लोगों ने PSL में परफॉर्मेंस किया है और इंशाल्लाह जरूर जीतेगा आज। तो कौन से प्लेयर से तवक्को है कि आज पाकिस्तान की तरफ से बेहतर करेगा? देखो हारे मोहम्मद हारिस है, साय मयूब है और ये और इन लोगों ने अगर पहले 50 पार्टनरशिप किया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान 140-150 करेगा तो इंशाल्लाह फिर आसान जीत जाएगी। आपको नहीं लगता कि हमारे थोड़े लड़के छोटे छोटे हैं, बड़े लड़के हमारे आए नहीं इसलिए हम पहला मैच हार गए? देखो वही है, सारे यंग है ना, लेकिन कंडीशन भी मुख्तलिफ है, जो PSL में खेला इधर खेला तो कंडीशन मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह आज पूरी उम्मीद है कि आज सीरीज एक एक से बराबर करेगा, सीरीज एक एक से बराबर करेगा इंशाल्लाह। क्या लगता है आज आप बड़े झंडे बनवा रहे हैं तो क्या लगता है आज अफगानिस्तान जीतेगा? ना अफगानिस्तान जीतेगा, और थोड़ा सबर बोले बोले बात बोलो, बोलो, बोलो। क्या बोलता है कौन? हमको थोड़ा उर्दू मालूम, ज्यादा नहीं मालूम यार, थोड़ा जितना मालूम है उतना बोलते हैं बस। हम अफगानिस्तान सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं करते? हमारा पाकिस्तानी नहीं है, हमारा अफगानी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने आपको खेलने से इनकार कर दिया आपके साथ, फिर पाकिस्तान ने आपको सपोर्ट किया? वो हमको लगा है कि वो खुद संभल की झंडा है, ये वाला ये अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान, हम अफगानी है, अफगानी है तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा ना अफगानिस्तान। तो आपको नहीं लगता कि हमारे छोटे छोटे लड़के थे आपने पहले मैच में हरा दिया? ना बड़ा बड़ा भी मानता है, बड़ा बड़ा जब था तो अफगानिस्तान को हराया हमेशा हमने ना, ये सबसे अभी ये सबसे आदमी अफगानिस्तान है माशाल्लाह, वो आदमी ये वाला लगाओ भाई। तो ये आदमी बाहर से होके क्या करेगा? कौन सा ये आदमी? तो बाहर खड़ा होगा ना मैदान के अंदर, तो वही 11 होगा ना, बाहर से क्या करेगा ये? ना इधर आदमी जाए जा रहे मैदान, मैदान जा रहे, हम तोड़ तोड़ तो मालूम बोलम फेलम बोलम। चलो ठीक है। आप कहाँ से आए जरा बताइएगा? मैं जी शारजा से आया हूँ, पाकिस्तान से ताल्लुक है मेरा। अच्छा तो किस टीम को आज सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी हमने देखा अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं, खेल कैसा भी हो लेकिन होता यह है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हाँ अच्छा, आपको भी बाकी लोगों की तरह लगता है कि हमारे छोटे छोटे लड़के थे इसलिए अफगानिस्तान ने हमें हरा दिया? एक्चुअली हाँ कुछ ऐसा ही है कि कुछ नए लड़के थे, नया उनका इंटरनेशनल मैचेस थे जिसकी वजह से शायद वो डिप्रेस हो गई और इतना अच्छा खेल नहीं सके, तो उम्मीद है कि आज जो है वो अच्छा खेल। अच्छा किस प्लेयर से आज आपकी तवक्को है? आज पाकिस्तान ने एक चेंजेस किया है, फहीम अशरफ की जगह मोहम्मद नवाज को खिलाया, मोहम्मद नवाज को लेके आए हैं। देखिए बात यह है कि प्लेयर अच्छा हो या हल्का हो या मतलब भारी हो, बात यह है कि ग्राउंड में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है वो डिपेंड करता है। लास्ट टाइम देखा आपने हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी जो है वो एकदम से नीचे गिर गए। अच्छा आपने चूंकि स्टैंड में पहला मैच आपने देखा है यहाँ पे, जी जी, तो आपने स्टैंड में बैठ के मैच देखा होगा, तो माहौल कैसा था? इससे पहले जो हमने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ तो क्राउड में भी हसर टेंस होता था, कोई लड़ाई झगड़े हुए थे, तो इस दफा माहौल आपने कैसा देखा? माहौल बेहतर रहा निस्बतन जो पिछले माजी में मैचेज हुए उसके हिसाब से,
तो यही है कि शायद मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि माहौल को बेहतर से बेहतर रखना चाहिए। चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।